आज मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और यहाँ पर जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि जो पाउच छपवाते हैं उसका कितना कॉस्ट बैठता है, इसके साथ साथ आप पैकेजिंग करवाना चाह रहे हैं और कम आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसे करवाएंगे, उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल प्राइस मार्केट की बताऊंगा और इस वीडियो में क्रिएटिव आइडियाज़ भी बताऊंगा कि आप कम कॉस्टिंग में मार्केट फिट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके प्रोडक्ट ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएं आपके शहरों में वो कैसे करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसका एक एडवांटेज भी बताऊंगा कि पाउचेस छपवाने में जो इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। अगर इतना कॉस्ट नहीं आए इस तरह के पाउचेस छपवाने के लिए तो आपकी फील्ड में कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक समझिए। और अगर इस इंडस्ट्री में आकर काम करना चाहते हैं और आगे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने छोटे शहरों में तो कैसे करेंगे, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरा समझाते हैं दोस्तों कि आपको प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में बने रहने वाले लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि एक पाउच को प्रिंट करवाने में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले आज जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है सिलेंडर बनवाने में। देखिए, अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करा कुरकुरे का, अब कुरकुरे में आपने एक फ्लेवर लॉन्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसका सिलेंडर बनेगा उसी तरह का जो आपने प्रिंट बनवाया है। अब सिंपल सा जो कॉस्ट बैठता है 35,000 रुपये के लगभग आपका सिलेंडर बनता है। इसमें आपका 3,000 से 4,000 रुपये के आसपास का डिज़ाइन बनता है जिसमें कलर्स के जो आप 5 से 6 कलर्स बनवा रहे हैं डिज़ाइंस के, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये का कॉस्ट आ जाता है आपका डिज़ाइनिंग एंड सिलेंडर बनवाने में। इसके अलावा अब बात आती है, एक टाइम का ये इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप एक फ्लेवर लॉन्च करते हैं तो आपका लगभग इतना इन्वेस्टमेंट इस तरह के काम में हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने 40,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अगर आपने कुरकुरे का एक सिंपल सा आपको फ्लेवर लॉन्च करना है और अब उसमें वेरिएशंस बनाने हैं, जैसे कि आपने कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट करा वहाँ पर टोमेटो फ्लेवर बनवाया, आप टोमेटो के साथ में आप ग्रीन बनवाना चाहते हैं, ग्रीन के साथ में आप मैक्सिकन बनवाना चाहते हैं, मैक्सिकन के साथ में आप सॉल्टीड बनवाना चाहते हैं, तो आपके चार तरह के सिलेंडर, चार तरह के पाउचेस छपेंगे अलग अलग। अब यहाँ पर जो ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 70,000 से लेके 75,000 रुपये के पर कॉस्ट आपका स्टार्टिंग में आएगा। ये जो सिलेंडर का कॉस्ट आता है वो स्टार्टिंग में एक ही बार आता है, इसके बाद में आपका सिलेंडर का कॉस्ट नहीं आएगा, जितना भी आपने पाउचेस छपवाना है वो उस हिसाब से आएगा। तो 200 से 250 रुपये केजी के हिसाब से आपका ये पाउच छपता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट बैठता है एक पाउच छपवाने पे वो बैठता है 75,000 रुपये का। अब इसमें माइक्रोन के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी वाले पाउचेस मार्केट में चलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ, देखिए आपने ये जो इन्वेस्टमेंट करा 70,000 से 75,000 का, यही एक एंट्री बैरियर होता है इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे ही स्नैक इंडस्ट्री में किसी को आना है तो उसके लिए एक एंट्री बैरियर तो होना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी 2-4 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इस तरह की इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। और ये इसी एंट्री बैरियर की वजह से लोग आज के टाइम पे इस तरह के बिजनेस में कम आते, तो इसी एंट्री बैरियर के कारण इस तरह के बिजनेस में कम कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अभी भी आपको लगता होगा कि बहुत से प्लेयर्स इस बिजनेस में काम कर रहे हैं आपके शहरों में जो कि लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर दोस्तों क्या करिए, आप ये देखिए कि मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसे एडवांटेज के रूप में लीजिए कि अगर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है पाउचेस पे वो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री बैरियर है, आप इसको एडवांटेज लेकर चलेंगे तो ये याद रखेंगे कि आपका कोई ब्रांड कॉपी नहीं कर पाएगा आसानी से। आप जिस भी ब्रांड को लेकर जाएंगे वहाँ पर मोनोपोली बना पाएंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा इस तरह के प्रोडक्ट में। तो देखिए दोस्तों, इसमें सेकेंड तरह के जो पाउच आते हैं वो पाउच होते हैं 3-ply वाले पाउच। इस तरह के पाउच में दो तरह के आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं, एक तो आपका ये जो पाउच होता है इसका जो कॉस्टिंग आता है ये कम आता है, इसमें 2-3 कलर जैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग आपकी 30,000 से 40,000 रुपये के आसपास आती है। सेकंड जो इसमें बेनिफिट होता है कि अगर आपका बजट नहीं है कि पैकिंग मशीन आप लेना चाहते हैं पर आप ले नहीं पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मैनुअल मशीन जो होती है बेंच सीलर मशीन उसको परचेस कर सकते हैं। देखिए अब इस तरह के जो पाउचेस होते हैं वो आसानी से उससे पैक कैसे होते हैं वो समझिए, वहाँ पर आपको सिंपल सा जो इसका ऊपर वाला लेयर होता है उसको सील करना होता है इस तरह से मशीन में और वो आसानी से पाउच पैक हो जाता है। अब इसका आप ड्रॉबैक भी समझ लीजिए, इस तरह के पाउचेस का ड्रॉबैक ये होता है कि ये सिंपल से मैनुअल मशीन से पैक होते हैं तो मैनुअली पैक करा जाता है, अगर ये पैकिंग मशीन से पैक हो जो कि ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन होती है तो वहां पर तो ये स्पीड वाइज एक्यूरेसी होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको बल्क में प्रोडक्शन मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो रूल होता है वो यही होता है कि अगर आपके पास में क्वालिटी है और क्वांटिटी है, टाइम है,
कॉस्ट इफेक्टिव आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पिक होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सेल कर पाएंगे। तो यही कारण के कारण जब 3-ply वाले जो पाउचेस बनते हैं वो कुछ कुछ जगह ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे आपको शक्कर पैक करना है तो वहाँ पर 1 किलो 2 किलो 5 किलो वाली जो पैकिंग होगी वो उस तरह से मैनुअल ही पैक होगी। अब मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट्स बताता हूँ जहाँ पर आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा पाउच छपवाने में और आपका फाइनल प्रोडक्ट कम पैसे में छपकर तैयार हो जाएगा। देखिए वो तरीका क्या है, वो है एक तरीका नंबर वन, वो होता है स्क्रीन प्रिंटिंग वाले जो पाउच होते हैं जिसमें 1 color 2 color आप पाउच छपवा सकते हैं। इस तरह के पाउचेस में क्या होगा कि आपका ट्रांसपेरेंट पाउच रहेगा, जैसे कि आपको मसाले वाले जो पैकिंग देख रहा है आपको पाउच, इस तरह का पाउच आपका छप जाएगा। सेकंड, आप इस तरह के पाउचेस में शुगर अगर आप पैक करके बेचना चाहते हैं तो इस तरह के पाउचेस में आसानी से आपका ब्रांड बन जाएगा पाउच, और वहाँ पर क्या होगा किसी को ये भी नहीं लगेगा कि कम कॉस्टिंग वाला पाउच है। अगर आप दालें पैक करना चाहते हैं, मार्केट में कितने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनको पैक करके इस तरह से बेचना चाहते हैं तो आपका इस तरह की पॉलीथीन में आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि मार्केट में फिट भी होगा। जो मैंने ये तरीका बताया स्क्रीन प्रिंटिंग वाला आपको पाउचेस छपवाने का, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें आप अपना एक फाइनल प्रोडक्ट आसानी से बना लेंगे, फाइनल ब्रांड नेम तैयार कर लेंगे और आपका प्रोडक्ट आसानी से एस्टैब्लिश हो जाएगा आपके मार्केट में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेल्स सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट में कैसे रेंजेस बनानी है, वेरिएशंस कैसे बनाने हैं, इसकी कॉस्टिंग कैसे तैयार करनी है, सेल्स में आपका ब्रांडिंग कैसे करना है, आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे बनाना है, साथ ही साथ पूरा नेटवर्क कैसे बनाना है, आपका प्रोडक्ट कैसे आगे जाएगा सप्लाई चेन में, कैसे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारे साथ में जुड़ना है। इतने सारे लोग हमारे साथ में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट से सेल्स तक कैसे जाना है, रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन से लेके मशीन की इन्फॉर्मेशन से लेके पैकेजिंग की इन्फॉर्मेशन से लेके पूरा का पूरा प्रोडक्ट कैसे बेचना है ये तक हम बताते हैं।